अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिजिक्स का चैप्टर फोर्सेस एंड मोशन वाला, उसके थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सो थर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में बात कर रहा है एक मूविंग कार की, जिसकी स्पीड इसने यहाँ पे गिवन दी हुई है वो है 20 मीटर पर सेकंड, मींस 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक कार मूव कर रही है, क्रैशेज इनटू अ ट्री। तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो एक कार मूव कर रही है, ट्री के साथ जाके वो क्रैश करती है। नाउ द क्वेश्चन इज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैसेंजर ऑफ मास 70 kg इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे इसमें दो केसेस दिए हुए, या यू कह लो सिंपल वर्डिंग में दो सिनेरियोस इसने नीचे दिए हुए, उसकी तरफ बाद में चलते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो चीज फाइंड आउट करने को कह रहा है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैसेंजर। पैसेंजर का इसने मास दिया हुआ है वो है 70 kg। तो जो गिवन यहाँ पे जो इसने डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले तो कार की स्पीड इसने दी हुई है वो है 20 मीटर पर सेकंड, कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार मूव कर रही है, और उसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसका मास इसने गिवन दिया हुआ है वो है 70 kg। और फाइंड आउट करने को कह रहा है, कहता है कि जो एवरेज फोर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है, एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका क्या है फोर्स का क्या है मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। सो अब चलते हैं जो इसका ए पार्ट है, जो इसका फर्स्ट सिनेरियो है उसकी तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम बहुत छोटा सा है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, बहुत ही आसान सी सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन होंगी। बस ये है कि यहाँ पे जो इसने दो सिनेरियोस दिए हैं उसको, वो अगर आपको समझ में आ गए तो बाकी आगे आसान है, ठीक है। अच्छा, इसका ए पार्ट, तो फर्स्ट जो सिनेरियो उसने दिया हुआ है यहाँ पे, वो कहता है कि द पैसेंजर इज नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट। और ये जो पैसेंजर है ये कहाँ पे बैठा हुआ है, मैं इसके बारे में भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में उसने मेंशन नहीं किया हुआ। तो जो पैसेंजर जिसकी ये बात कर रहा है वो है ड्राइवर के साथ वाली सीट, मीन्स अगली सीट पे ड्राइवर के साथ वाली जो सीट है वहां पे बैठा हुआ है, और उसने सीट बेल्ट जो है वो नहीं वेयर की हुई, मीन्स उसने सीट बेल्ट जो है वो नहीं बांधी हुई। आगे वो कहता है ही इज ब्रॉट टू रेस्ट, ठीक है, ये जैसे ही कार ट्री के साथ क्रैश करेगी, ये उसके सिनेरियो से, ठीक है। तो कहता है कि ही इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ कोलिजन विद द विंडशील्ड एंड डैशबोर्ड दैट लास्ट 2 मिलीसेकंड। कहता है कि जो पैसेंजर है वो रेस्ट पे जाएगा बाय अ कोलिजन विद द विंडशील्ड एंड डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड विंडशील्ड, क्योंकि जब कार जैसे ही ट्री के साथ क्रैश करेगी तो कार का, और ये याद रखना है कि जो जिस पैसेंजर की मैं बात कर रहा हूं वो ड्राइवर के साथ वाली सीट, जो अगली सीट है वहां पे बैठा हुआ है, जिसने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई। तो कार जैसे ही क्रैश करेगी, और कार की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, तो जैसे ही ट्री के साथ क्रैश करेगी तो ड्राइवर जो है वो जाके टकराएगा कार की जो डैशबोर्ड है और जो उसकी विंडशील्ड है उसके साथ। कार का जो डैशबोर्ड और विंडशील्ड है वो आके पैसेंजर से नहीं टकराएंगे, ठीक है, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, जो पैसेंजर है वो जाके कार की जो डैशबोर्ड है और विंडशील्ड है उससे जाके टकराएगा, क्योंकि यहां पे मैंने अभी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यूज यहां पे लिखनी है। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि जो पैसेंजर है वो जाके टकरा रहा है, जिसने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, तो वो जाके डैशबोर्ड और उसकी विंडशील्ड से टकराएगा। और कहता है ये जो कोलिजन है ये 2 मिलीसेकंड्स तक रही। तो यहां पे अब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किसकी है, पैसेंजर की है, ओके। और जो टाइम है वो इसने दिया हुआ है वो है 2 मिलीसेकंड, ये कोलिजन का टाइम है। जो पैसेंजर जाके कोलाइड करेगा, टकराएगा उस कार के डैशबोर्ड विंडशील्ड के साथ, सो वो जो कोलिजन है वो कितने टाइम तक रहेगी, वो 2 मिलीसेकंड। इसको अगर मैं यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखूं, या जो ये जो मिली है इसको यहाँ पे मैं 10^10 की फॉर्म में लिखूं तो क्या रहेगा, मिली की जगह 10^-3, ये आ गया सेकंड। अब बात है यहां पे कि जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है पैसेंजर की वो क्या होगी। वंस अगेन आई रिपीट कि जो पैसेंजर है वो जाके टकरा रहा है कार के डैशबोर्ड और विंडशील्ड। तो इट मींस टू से कि जो पैसेंजर है एक मूविंग कार में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो जो कार जिस स्पीड से मूव कर रही है वो कितनी स्पीड है उसकी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। जैसे ही वो ट्री के साथ टकराएगी तो देखो कार क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, इट मींस टू से कि जो पैसेंजर उस कार में जो बैठा हुआ है, जो कार जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो इट मींस टू से जो पैसेंजर है वो भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर कार के इनसाइड एनवायरनमेंट की बात करें,
कि पीछे भी दो तीन पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ड्राइवर भी है, सारे हैं, ठीक है। तो जो कार की इनसाइड इन्वायरमेंट है उनके रिस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हम कार के आउटसाइड इन्वायरमेंट के सेंस से अगर बात करें, मीन्स आउटसाइड कोई एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे कहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है, वो इस क्रैश को देख रहा है, उस ऑब्जर्वर के हिसाब से देखेंगे, मैं कार के आउटसाइड इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे कि एक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक कार मूव कर रही है, तो उसके हिसाब से जो कार के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी मूव कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, तो इट मीन्स टू से कि जैसे ही कार क्रैश करती है ट्री से, तो पैसेंजर को जो एक झटका लगेगा वो 20 मीटर पर सेकंड का ही होगा और वो आगे जाके टकराएगा कार के डैशबोर्ड और विंडशील्ड के साथ। मीन्स टू से कि जो पैसेंजर की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वही होगी जो कि कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। मीन्स टू से पैसेंजर की जो इनिशियल वेलोसिटी आगी वो तो 20 मीटर पर सेकंड। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, क्योंकि फाइनली इसने कहां पे जाना है, टकराने के बाद पैसेंजर जैसे ही टकराएगा डैशबोर्ड और विंडशील्ड के साथ, उसके बाद जाके इसने रेस्ट पे ही जाना है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर क्या होगी, वो होगी 0 मीटर पर सेकंड। हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स। अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, किसके लिए, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एवरेज फोर्स जो कि हमें फाइंड आउट करनी है जो कि पैसेंजर पे लग रही है, तो उसके लिए हम लोग यहां पे जो फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसकी हेल्प लेंगे। इसको यहां पे मैं अभी स्टॉप करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके। रीजन ये है कि देखो मास की वैल्यू तो हमारे पास है 70 kg, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू का हमें नहीं पता, मीन्स एक्सेलरेशन पहले हमें फाइंड आउट करनी होगी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला जिसकी हम लोग हेल्प लेंगे, वो कौन सा फॉर्मूला है वो लिख देता हूं। सो फॉर एक्सेलरेशन, जिस फॉर्मूले की हम लोग हेल्प लेंगे वो हो जाएगा वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस एटी। देखो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास है, एक्सेलरेशन तो हमें फाइंड आउट करनी है और टाइम भी हमारे पास है, तो मीन्स टू से इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी वैल्यूज पुट करो, फाइनल वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो है 20, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और जो टाइम है उसकी वैल्यू यहां पे क्या है वो है 2 × 10⁻³। अब 20 यहां पे क्या है, पॉजिटिव, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव। इसको बाकी अच्छा अजान स्टार्ट होगी, जैसे ही अजान खत्म होती है फिर मैं आगे इसको कॉन्टिन्यू। अच्छा जी आगे चलते हैं। सो यहां पे ये जो वैल्यू है एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो हो जाएगी डिवाइड, सिंप्लीफाई कर लो इसे तो ये हो जाएगा 10। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी माइनस, ऊपर आपके पास 10 है और ये जो 10⁻³ है इसको जब मैं ऊपर लिखूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और यहां पे 10 की पावर कुछ नहीं मेंशन की गई तो पावर क्या होगी, 1। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाएंगी, एड, तो एक्सेलरेशन हमारे पास फाइनलाइज इसकी वैल्यू आगी वो है, ठीक है, 1 + 3, तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन की फाइनलाइज वैल्यू आगी है पॉजिटिव 4, ठीक है, -10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट आप लोगों ने लाजमी लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो बस इसी की वैल्यू की हम लोग वेट कर रहे थे, यही वैल्यू हमें चाहिए थी, मैथ तो ऑलरेडी गिवन है, तो अब जस्ट सारी की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करो और हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैसेंजर। सो पुटिंग ऑल वैल्यूज in equation number first, so equation number first will become mass, क्या है हमारे पास 70, ये mass क्या है, passenger का mass है, ठीक है। acceleration की value हम लोग find out कर चुके हैं, वो है -10⁻⁴, so यहां से हमारे पास force की value आ जाएगी। अच्छा यहां पे आप देख रहे हो आपके पास 70 है, ठीक है, ये bracket यहां पे बेशक ना लगाओ, कोई मसला
अब यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। अगर साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना के वो चीज आपकी क्लियर कर दूंगा। वैसे मैं यहाँ पे भी आपको बता दूंगा। अच्छा, अब कोई भी नंबर हो उसका सबसे पहले अपने पॉइंट जो है वो प्लेस करना है। तो वो पॉइंट कहां पे होगा? उसका पॉइंट होगा राइट मोस्ट साइड पे। अब मैं यहां पे इसकी प्लेस चेंज करने जा रहा हूं। सो वन प्लेस मैंने चेंज की और कहां से कहां पे लेके आया पॉइंट को? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो यहां पे मैं लिखूंगा 7.0 और ये नेगेटिव साइन है, इसको यहां बेसिक स्टार्ट में लिखूंगा इनटू 10 रिस्पर। अभी मैं क्योंकि मैंने यहां पे पॉइंट को जो है वो डिस्प्लेस किया है, पॉइंट को यहां पे मूव किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो और कितनी वन प्लेसेस की मूव की है, तो 10 रिस्ट पर 1। अब इसके साथ यहां पे जो साइन है वो क्या होगा? क्योंकि राइट टू लेफ्ट में मूव कर रहा हूं तो साइन इसका आएगा पॉजिटिव। ये तो आया 10 रिस्ट पर जो आपके पास यहां पे 1 आया है, ये तो जस्ट मैंने ये जो पॉइंट को डिस्प्लेस किया, पॉइंट को यहां पे मूव किया राइट टू लेफ्ट, उसकी वजह से आया। ये जो ये ऑलरेडी यहां पे है उसको आपने फिर यहां पे इस तरीके से लिख देना। तो हमारे पास फोर्स -7.0 इनटू 10 रिस पर, देखो यहाँ पे आपके पास क्या बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 4 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये यूनिट आ जाएगा न्यूटन। अब यहाँ पे देखो कि हमें जो फाइंड आउट करना है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैसेंजर। तो जब मैग्नीट्यूड इसका लिखोगे तो आपने इसका जो नेगेटिव साइन है वो नहीं लिखना, ठीक है, हमें जस्ट इसके मैग्नीट्यूड से कंसर्न है। तो ये आपके पास आ जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैसेंजर, उसकी वैल्यू आ जाएगी 7 × 10⁻⁵ N, ठीक हो गया। जब मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो नेगेटिव साइन आप लोगों ने साथ नहीं लिखा, ठीक है, हमें जस्ट मैग्नीट्यूड से कंसर्न। So, ये तो आपका आ गया जो ए पार्ट था, जो फर्स्ट सिनेरियो था उसका रिजल्ट। अच्छा, अब चलते हैं जो उसका बी पार्ट है, जो उसका सेकंड सिनेरियो है उसकी तरफ। इसमें बात कर रहा है कि द कार इज इक्विप्ड विद अ पैसेंजर साइड एयर बैग। अब एक ऐसी कार के जिसमें एयर बैग जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है। द फोर्स ड्यू टू द एयर बैग एक्ट्स फॉर 45 ms ब्रिंगिंग द पैसेंजर टू रेस्ट। इसमें कह रहा है कि जो फोर्स एयर बैग की वजह से पैसेंजर पे लग रही है जो कि 45 ms तक रहेगी, ब्रिंगिंग द पैसेंजर टू रेस्ट। अब इस सिनेरियो को समझने के लिए वंस अगेन वही चीज आपको इमेजिन करनी है कि जो कि ए पार्ट में हमने की थी, कि एक कार जो कि 20 ms/s की स्पीड से मूव कर रही है जैसे ही ट्री से क्रैश करेगी, तो इस केस में इस सिनेरियो में क्या होगा कि जिसमें एयर बैग ऑलरेडी लगा हुआ है तो एयर बैग सडनली ओपन होगा और वो ओपन होने के बाद वो पैसेंजर की तरफ आएगा, ना कि पैसेंजर वो एयर बैग की तरफ जाए। ओके, क्योंकि ए सिनेरियो में हमने देखा था क्या था कि उसमें क्योंकि पैसेंजर ने सीट बेल्ट भी नहीं बांधी हुई और उसमें एयर बैग भी नहीं है, तो जैसे ही कार क्रैश करती है ट्री से तो उसमें पैसेंजर आगे जा रहा है डैशबोर्ड और विंडशील्ड की तरफ, उससे जाके टकराएगा, तो उसमें पैसेंजर जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है, और डैशबोर्ड विंडशील्ड से टकराएगा। लेकिन इस बी सिनेरियो जिसका जो बी पार्ट है उसमें ये क्या है कि इसमें पैसेंजर जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, ऑल्दो क्रैश तो हो चुका है, कार ने हिट कर दिया है ट्री को, लेकिन एयर बैग भी इतना सेंसिटिव होता है वो सडनली ओपन होगा, ठीक है, जिसका उसका जो काम है एयर बैग का कि सडनली ओपन होना ताकि जो पैसेंजर है उसको कैजुअलिटी और मेजर इंजरीज है उससे बचाया जा सके, उसका काम है कि पैसेंजर को सेव करना, तो वो सडनली ओपन होगा क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है क्रैश होता है तो इतना टाइम नहीं होता, तो एयर बैग जो है वो इसी तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वो सडनली ओपन होंगे। तो जैसे ही वो कार ने क्रैश किया ट्री से तो एयर बैग सडनली ओपन हुआ और वो आके फोर्स लगाएगा पैसेंजर पे, पैसेंजर आगे नहीं जाएगा, इसमें एयर बैग जो है वो पैसेंजर की तरफ आएगा ताकि जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ ना आए और किसी से टकराए ना, जो कि एयर बैग का काम है, ठीक है, तो उसको आगे आने से रोकेगा। तो मीन्स उसे कि सडनली ओपन हो और वो अब पैसेंजर की तरफ जा रहे हैं, ना कि जैसे ए पार्ट में हमने देखा था कि पैसेंजर जाके आगे टकरा रहा है विंडशील्ड और डैशबोर्ड से, ठीक है, तो इसमें ये चीज डिफरेंट है, एक समझ लो कि एक उल्ट काम है, क्योंकि जो उल्ट काम है वो क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यूज जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, तो ये चीज अब उल्ट होगी, क्योंकि जो ए पार्ट था उसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या लिखी थी, वही लिखी थी जो कार की स्पीड थी 20 ms/s, क्योंकि उसमें सिनेरियो डिफरेंट था जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी पैसेंजर, क्योंकि ये जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये पैसेंजर की इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है,
इस कार में जो ये बी सिनेरियो है, इस कार में क्योंकि हम लोग एक ऐसी कार की बात कर रहे हैं कि जिसमें जो एयर बैग है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसमें जो पैसेंजर की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, जो कि एयर बैग का काम है कि उस पैसेंजर को रेस्ट पे ही रखना, ठीक है, उसको आगे आने से रोकना। तो पैसेंजर, क्योंकि मैंने कहा था कि कार की इनसाइड जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से देखेंगे तो सारे पैसेंजर्स जो है वो रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है, बेशक कार जो है मूविंग है। मैं आउटसाइड एनवायरनमेंट के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं इनसाइड कार की एनवायरनमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले उसमें आपको जो ए पार्ट जब मैं कर रहा था उसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि लेट्स सपोज पैसेंजर बैक सीट पे बैठे हैं, यानी बैठे ड्राइवर के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि ड्राइवर के हिसाब से पैसेंजर रेस्ट पे और पैसेंजर के हिसाब से ड्राइवर रेस्ट पे, ऑल दो कार बेशक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। अच्छा, तो एयर बैग सडनली ओपन होगा और वो पैसेंजर की तरफ आएगा और पैसेंजर को आगे आने से रोकेगा, और जो इनिशियल वेलोसिटी पैसेंजर की होगी इस केस में वो 0 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि जो कि एयर बैग का काम है। उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये तो कह रहा है कि जो एयर बैग उस पैसेंजर पे फोर्स लगाएगा वो कितने टाइम तक रहेगी, 45 मिली सेकंड तक रहेगी, तो उसके बाद डेफिनेटली जो भी कार की स्पीड थी जो 20 मीटर पर सेकंड थी वो आगे जो मीन टू से कि जो फाइनली है जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी पैसेंजर की वो क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, जो भी मतलब जिस स्पीड से कार मूव कर रही थी तो उसके बाद ये आगे मूव करेगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो फाइनल उसके पैसेंजर की वेलोसिटी होगी वो होगी ये, लेकिन तब तक ये होगा कि एयर बैग की उसको सपोर्ट होगी। ठीक है, एयर बैग ऑलरेडी ओपन हो चुका होगा, वो अगर आगे आएगा भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो आगे आके टकरा नहीं सकेगा क्योंकि डैशबोर्ड और विंडशील्ड और पैसेंजर के बीच में आगे एयर बैग आ गया। ठीक है, तो बस ये एक डिफरेंट था ए पार्ट से। टाइम जो इसने यहाँ पे दिया हुआ है वो है 45 मिली सेकेंड, इसको यहाँ पे मैं 10 रिस पर में लिखूंगा तो मिली की जगह आ जाएगा 10 रिस पर माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। आई होप क्लियर होगा, मैंने इसको समझाने में ज्यादा टाइम इसीलिए लगाया है कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं। सो आई होप क्लियर हो गए होंगे, बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन उसी तरह ही है। तो फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स इस केस के लिए। तो मास हमारे पास यहाँ पे गिवन है 70 kg, जो कि पैसेंजर का मास है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें अब फाइंड आउट करनी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था सेम फॉर्मूला आपने यूज करना है। सो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास vf is equals to vi plus at। वैल्यूज पुट कर दो, vf हमारे पास क्या है यहाँ पे अब 20 है, इनिशियल जो वेलोसिटी पैसेंजर की वो है 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और टाइम यहाँ पे क्या है वो है 45 into 10 raised per minus 3. So 20 is equals to a 45 into 10 raised per minus 3. ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है लेफ्ट साइड पे, लेके आओगे तो 20 से हो जाएगी डिवाइड, तो एक्सेलरेशन की यहां पे वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 45 करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4443 डेसिमल प्लेसेस तक इनफ है। और यहाँ पे ये जो 10 की पावर 10 रिस पर माइनस 3 है इसको मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ गई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई है एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये जो बी सिनेरियो है उसमें यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो आपके सामने है, बस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, मास जो कि ऑलरेडी गिवन है, सारी वैल्यूज इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो और हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैसेंजर। ठीक है, सॉरी मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू भी अरेज कर दी है, वो हमारे पास ये थी पॉजिटिव 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट विल बिकम F is equals to ma, m आपके पास जो पैसेंजर का मास है वो है 70 into acceleration की वैल्यू यहाँ ऊपर लिखी हुई है 0.444 into 10 raise per positive 3, so 70। अब once again वही काम करना है, ठीक है, कि पॉइंट पहले आपने लोकेट करना है, पॉइंट यहाँ पे होगा, इसकी वन प्लेस मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये रहेगा 7.0 into 10 raise per 1 into 0.444 into 10 raised per positive 3। ये जो 10 raised per positive 1
एंड 10 रेस पर पॉजिटिव 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी 8, और जो 7 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 7 × 0.444, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 3.108 × 10 रेस पर, ये हो जाएगा 1 और 3 इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैसेंजर, जो बी सिनेरियो था, जो बी पार्ट था, उसका हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। सो आई होप क्लियर होगा, स्टिल अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है, अगर स्टेटमेंट की समझ नहीं आई, जो सिनेरियोस थे उनमें अगर कोई इश्यू आ रहा है, और सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन तो वैसे बहुत सिंपल है, इसमें जो बस एक ही चीज है कि जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर मुझे बता देना, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो विदाउट एनी हेजिटेशन बेशक 100 या 1000 बार पूछो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।